मैं प्रोफेसर तेज कुमार माथुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से इतिहास विभाग का सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, और जो विषय है जिस पर अब चर्चा करने जा रहे हैं वो राजपूत राज्यों का भारत सरकार के अंदर विलय। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जो एक बहुत अहम प्रश्न सामने आया था वो ये, जो इतने सारे स्वतंत्र राजपूत राज्य हैं उनका किस प्रकार भारत सरकार के अंदर विलय किया जाए, क्योंकि जब तक उनका विलय नहीं होता हिंदुस्तान का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है, भारत की आज़ादी अधूरी है और एक एकत्रित भारत की कल्पना अधूरी है। यह बात और थी कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कुछ कारक थे, कुछ तत्व थे जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजपूत राज्यों के अंदर जन चेतना, जन आंदोलन होने शुरू हो गए थे, जहां पे लोकबागों की मांग ये थी कि पहले दौर पे तो प्रशासन के अंदर, क्योंकि अधिकांश राजपूत राज्यों में निरंकुश राजतंत्र का प्रावधान था, प्रशासन के अंदर प्रशासनिक सुधार हो, आम जनता की भागीदारी हो सरकार के अंदर, और शिक्षा इत्यादि सामाजिक सुधारों का विस्तार हो, और दूसरा ये था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर किस तरह राजपूत राज्यों की आम जनता की भागीदारी भी हो। सर्वप्रथम तो ये मुद्दा उठता है कि क्या कारक थे जिससे कि राजस्थान के अंदर जन आंदोलन की चेतना हो रही थी, या राजस्थान के राज्यों में ये चेतना क्यों हुई। आप देखिए कि काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि कृषक वर्ग बड़ा पीड़ित था जमींदारों के अत्याचार से, जागीरदारों के अत्याचार से, और धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के अंत के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे नेता सामने आ रहे थे जो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और किसानों के हक के लिए, किसानों के ऊपर अत्याचार के रोकने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। तो एक तरफ तो ये आंदोलन लगभग समस्त राज्यों में शुरू हुआ। इसके साथ साथ आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका उनकी भूमिका कैसे आती है, आप देखिए कि गोविंद गिरी, हरिभा उपाध्याय इत्यादि ये अधिकांश जो नेता थे ये कहाँ से आए। आप देखिए कि एक ये स्टेज आई कि ये नेतृत्व इसलिए आया भोगीलाल पांडे वगैरह का, कि राजस्थान के अंदर एक शिक्षित मध्य वर्ग सामने आने लगा। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल इत्यादि, वहाँ पर मध्य वर्ग के लोग बाग शिक्षा ग्रहण करने लगे और एक शिक्षित वर्गों की पेशेवर जाति सामने आने लगी। भले ही वो प्राध्यापक हो, भले ही वो वकील हो, भले ही वो डॉक्टर हो, ये सब वो थे जो शिक्षित थे, आज़ादी का मतलब समझते थे, और इन्होंने अब राजस्थान के अंदर जन चेतना के अंदर नेतृत्व स्वीकार किया। इसी समय
जैसे आपको पता ही है, आर्य समाज की गतिविधियां राजस्थान में बढ़ने लगी। ये तो सर्वविदित है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान को अपनी गतिविधियों का केंद्र कितना मानते थे। बार बार राजस्थान आते थे, राजस्थान में अपनी जिम्मेदारी निभाते थे, राजस्थान की रूढ़िवादी और समाजवादी और सामंतवादी गतिविधियों को रोककर एक शिक्षित और स्वतंत्र समाज को बनाने में आर्य समाज का कितना योगदान रहा, ये आप सब जानते ही हैं। आर्य समाज द्वारा स्थापित किए हुए विद्यालय, आर्य समाज द्वारा तैयार किए गए शिक्षक, आर्य समाज द्वारा तैयार किए गए समाचार पत्र, ये सब इस बात के गवाह हैं कि आर्य समाज की कितनी भूमिका रही जन चेतना में। और एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर रहा वो थी यहाँ पे प्रेस का, प्रेस की भूमिका। आप देखिए, हिंदुस्तान ने तो वो पाकाल भी देखा है जबकि एक टाइपराइटर के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। समाचार पत्रों पर जबरदस्त पाबंदियां लगी हुई थी, पर ये सब काल धीरे धीरे खत्म होने लगा। और खास तौर से अजमेर मेरवाड़ा के अंदर समाचार पत्रों का काफी विस्तार हुआ। आर्य समाज स्वयं के समाचार पत्र यहां पर बहुत रहे, और एक समाचार पत्र का तो मैं विशेष तौर से जिक्र कर सकता हूं, आर्य मार्टन, जो 1927 में शुरू हुआ और आर्य समाज के विभिन्न समाचार पत्रों में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली समाचार पत्र आर्य मार्टन ही रहा। तो समाचार पत्र जो कि अजमेर और ब्यावर से छपने लगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी आसानी नहीं थी इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाना, क्योंकि वैसे भी अजमेर तो पार्ट सी स्टेट था और यहाँ पर राजा महाराजाओं का इतना वो नहीं था, तो समाचार पत्र और जगह भी पहुँचने लगे यहाँ से छप छप के, और जनता के अंदर शिक्षा का विस्तार हुआ। स्कूल खुले, महाविद्यालय खुले, बल्कि आप देखिए कि 1836 में अजमेर के अंदर एक स्कूल खुला, जो 1861 में एक महाविद्यालय का उसको रूप दे दिया गया। और वो कहा जाता है कि एक ज़माने में जो कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ के महाविद्यालयों के, लाहौर के महाविद्यालयों के टक्कर का एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र बन गया था। सवाल ये उठा कि जब समस्त हिंदुस्तान एक हो गया था तो राजपुताना के राज्यों का किस तरह उसके अंदर विलय हो, और 1948 से ये प्रथा या प्रणाली चालू हुई। और सर्वप्रथम, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, महाभारत काल में भी मत्स्य राज का, मत्स्य संघ का जिक्र मिलता है। तो ये जो चार राज्य थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चार राज्यों ने मिलकर ये तय किया कि हम तो एक मत्स्य संघ बनाएंगे। और इन्होंने ये तय किया कि ये संघ बनेगा तो ये चारों शासक मिलके अपने में से एक शासक को, जो कि काफ़ी वरिष्ठ होंगे, उनको एक पद देंगे जिस पद को कहा जाएगा राज प्रमुख। और सबसे पहले इस मत्स्य संघ के अंदर धौलपुर के महाराजा को यहां का राज प्रमुख बनाया गया। ये मत्स्य संघ की स्थापना की सफलता से और राज्यों के अंदर भी ये मांग उठी कि हमें भी इसी लाइंस पे, इसी तौर पे ये प्रयास करना चाहिए। और कुछ ही समय बाद एक और मूवमेंट हुई जिसको कहा गया कि एक यूनाइटेड राजस्थान तैयार किया जाए। सर्वप्रथम तो हाड़ोती के राज्य कोटा और झालावाड़ और बाद में डूंगरपुर ने मिलकर कहा कि हम तीनों मिलके एक राज्य स्थापित करेंगे जिसको हम यूनाइटेड राजस्थान कहें।
डूंगरपुर को इधर जाते देखकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बाद में किशनगढ़ और सिरोही ने भी कहा कि हम भी इस यूनाइटेड राजस्थान के अंदर शामिल होना चाहते हैं। जब ये सात राज्य मिलकर एक यूनाइटेड राजस्थान बना रहे थे तो बूंदी के शासक और टोंक के शासक ने भी इच्छा जाहिर की कि हमें भी आप इसके अंदर शामिल कर लीजिए। तो नौ राज्यों ने मिलकर एक बहुत बड़ा यूनाइटेड राजस्थान बना दिया। ये भी 1948 की ही बात थी। सवाल ये उठा कि किसको यहाँ का राज प्रमुख बनाया जाए, और काफ़ी विचार के बाद ये तय किया गया, क्योंकि इन सब राज्यों में कोटा काफ़ी वरिष्ठ है, काफ़ी पुराना है, तो कोटा के शासक को यहाँ का राज्य प्रमुख बनाया जाए। यूनाइटेड राजस्थान और मत्स्य संघ की सफलता को देखते हुए मेवाड़ की जनता ने भी यहाँ के महाराणा से कहा कि आप भी इसके अंदर शामिल होइए, और मेवाड़ के महाराणा ने भी इच्छा जाहिर की कि वो भी इसमें शामिल होंगे। ये सब सफलताएं देखकर, जैसे आपको पता ही है, उस समय भारत के गृह मंत्री और लोह पुरुष सरदार पटेल, जो कि स्वयं चाह रहे थे कि समस्त राजपूत राज्यों को इसके अंदर शामिल कर लिया जाए, तो सरदार पटेल ने तीन और बड़े बड़े राज्यों को, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर को सलाह दी कि भाई आप भी अब इस ग्रेटर राजस्थान के अंदर शामिल हो जाइए। और आप देखिए कि सरदार पटेल ने वीपी मेनन से कहा कि आप जाकर बातचीत कीजिए। वीपी मेनन, जो कि एक बहुत कुशल राजनीतिक थे, वो यहाँ पर आए, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर को भी मजबूर किया, समझाया कि आप भी इसके अंदर शामिल होइए और एक विस्तृत राजस्थान के अंदर शामिल हो जाइए। तो अब एक बहुत बड़ा विस्तृत ग्रेटर राजस्थान बन गया था, और यहाँ पर यह तय किया गया कि भाई यहाँ पे किसको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और हीरालाल शास्त्री, जो कि राजस्थान के अंदर सबसे कद्दावर नेता थे, उनको यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मत्स्य संघ ने भी इच्छा जाहिर की कि वो इस ग्रेटर राजस्थान में शामिल हो जाएं, और वो भी शामिल हो गए। सिर्फ बचे थे सिरोही और अजमेर। सरदार पटेल की तो दिली इच्छा थी कि सिरोही को गुजरात को दे दिया जाए, पर सिरोही की आम जनता ने यही कहा कि नहीं, हम गुजरात में नहीं जाना चाहते, हम तो राजस्थान में जाना चाहते हैं। और उधर पंडित नेहरू भी सरदार पटेल के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि सरदार, आपकी इच्छाओं की हम बहुत इज्जत करते हैं, पर आप सिरोही की जनता की बात सुनिए, और वो जनता जो चाहती है वो राजस्थान के अंदर शामिल हो जाए। तो आखिर सरदार पटेल मान गए और सिरोही को भी राजस्थान के अंदर शामिल किया गया। अंत में सिर्फ बचता था अजमेर, जिसका कि स्टेटस एक पार्ट सी स्टेट का था। ये स्थिति चलती रही 1956 तक, और 1956 के अंदर पार्ट सी स्टेट्स का ये स्टेटस खत्म करके अजमेर को भी राजस्थान के अंदर शामिल कर लिया गया, और राजस्थान के एकीकरण की कड़ी इस तरह 1956 में पूरी हो गई। धन्यवाद।